हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है आपका एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। देखिए, एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पे जाना है। जैसे सबसे पहला कि जितना भी कार्बो, पहला पॉइंट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी कार्बोकैटायन होता है, चाहे वो रेजोनेंस में हो या न हो, सबका सब कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये दोनों कार्बोकैटायन हैं। यहाँ देखिए, इस कार्बन पे जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तीन सिग्मा बॉन्ड। अगर तीन है तो आपको यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड होता तो रेजोनेंस होता, वैसा यहाँ पे आपको नहीं है। लेकिन वही अगर इस कार्बोकैटायन को देखिए, तो इस कार्बन पे अगर ये प्लस है तो इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, पाई। अब क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन और ये पाई कैसा हुआ, आसपास में यानी कंजुगेटेड है। तो क्या होगा कि ये प्लस इस पाई को डिलोकलाइज करके यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा। चलो पाई बॉन्ड बन गया, आखिर क्या कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। चलो आप हम लोग याद करो, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग चेक करते थे उसमें क्या चेक करते थे, सिग्मा बॉन्ड। तो एक दो और तीन, ये क्या बना था, पाई। तो कंजुगेशन होने के बावजूद भी अभी कितना सिग्मा है, तीन। अभी भी तीन सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि चाहे कार्बोकैटायन मेरा कैसा भी हो, अनकंजुगेटेड हो या कंजुगेटेड हो, दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। दैट मस्ट बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अनायंस के विषय में। अब अनायन के विषय में हम लोग चेक करेंगे, तो अनायन में क्या होता है कि जितना भी आपका अनायन है, तब इसमें जैसे अभी आपने कार्बोकैटायन में देखा था कि वहाँ पे आपका दो केस था, दोनों में sp2 ही था, लेकिन यहाँ पे आपका अलग अलग हो जाएगा कि अगर आपका अनकंजुगेटेड कार्बन आयन से, मतलब जहाँ रेजोनेंस नहीं वहाँ sp3 होगा, और जहाँ कहता है अगर कंजुगेटेड होगा वहाँ sp2 होगा। इसको आप समझेंगे कैसे, जैसे यहाँ देखिए, ये अनायन यहीं पे लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड है। चलो याद करो कि हाइब्रिड बैटल में हम लोग क्या क्या चेक करते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ सिग्मा कितना है, तीन, और लोन पेयर कितना है, एक। तो टोटल हाइब्रिड बैटल कितना हुआ, चार। और चार के लिए हमने पढ़ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अनकंजुगेटेड में हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला हमें, sp3। लेकिन जैसे ही कंजुगेशन होगा तो ये इस पाई के कारण, ये पाई अगर यहाँ माइग्रेट करेगा तो इस अनायन को ये खींच करके यहाँ पाई बना लेगा। अब याद करो ये अनायन अब लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज हो गया। तो अगर ये डीलोकलाइज हो गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। हम चेक क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो लोन पेयर यानी निगेटिव चार्ज यहाँ पे है नहीं, तो केवल तीन सिग्मा के लिए यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो चलिए इसको याद कर लीजिए, कंजुगेटेड में हमने आपको बताया sp2 और अनकंजुगेटेड में हमने आपको बताया sp3। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब ये जो हम आपको पाई बॉन्ड जो हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यूज़ करेंगे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी में। तो पहले आप समझ लीजिए, वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो बॉन्ड बनाएंगे तो रियल पाई होगा एक, और दूसरा होगा इमेजिनरी। रियल पाई तो समझे कि जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वो मेरा रियल पाई होगा। तो इमेजिनरी पाई किसको कहते हैं, इमेजिनरी पाई उसको कहते हैं जो आपका जैसे मान लो कोई आपका लोन पेयर रेजोनेंस में जाने के बाद अगर पाई बॉन्ड बना दिया, तो वो जो लोन पेयर होगा या अनायन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पाई। मतलब वैसा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे अनायन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बाद में बना दे, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पाई। शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब कहता है इसी को, अब पाई इलेक्ट्रॉन जो हमको काउंट करना होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो हम लोग काउंट करेंगे
जो काउंट करेंगे आपको, वो कैसे काउंट करते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया, वैसा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज जो पाई बॉन्ड बनाता हो, कि किस दौरान, रेजोनेंस के दौरान, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? टू पाई इलेक्ट्रो, क्योंकि हमने आपको पीछे भी बता रखा है कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो वो कितना होगा, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा है, जो भी लोन पेयर होगा या आपका निगेटिव चार्ज होगा, अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको हम कितना कंसिडर करेंगे, टू पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पाई और ये अनायन, यानी अनायन पाई कंजुगेशन है। ये जैसे ही शिफ्ट किया तो इस अनायन को खींच करके यहाँ क्या बन गया, पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन पे ये जो अनायन था ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स, दो, यानी ये अनायन कंसीडर होगा मेरा टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह। यानी जब हम वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये अनायन मेरा कैसा काउंट होगा, एज ए टू पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी इस पायरोल के केस में, यहाँ से जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर यहाँ जाके क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब ये लोन पेयर एक पाई बॉन्ड का क्रिएटर है। इसका मतलब ये भी कैसा कंसीडर किया जाएगा, एज ए टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, कैसा कंसीडर किया जाएगा, एज ए टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो याद रखेंगे, जो भी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जाता हो, उसको हम अगर वहाँ जाके पाई बॉन्ड बना ले तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, एज ए टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं एरोमेटिसिटी। ये बेसिक बातें थी जो कि आपको जानना चाहिए एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले। देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स ने रूल दिया था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब वो चार कंडीशन को इसको फॉलो करेगा। देखिए चार कंडीशन क्या क्या हैं, पहला कहा वो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे n का वैल्यू नीचे हमने दे रखा है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, और जितना भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, मतलब रेजोनेंस में होने चाहिए। चलिए फिर से आप एक बार इसको सोचिए, क्या क्या चार कंडीशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सारा पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होना चाहिए, रेजोनेंस में होना चाहिए। चलिए अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू रखते हैं, क्या था फार्मूला आपका, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए गौर से देखिएगा, n बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये बचेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 1 रखते हैं तो 14। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप नंबर याद रखिए, दिमाग में रखिए, 4n प्लस 2 यानी n का वैल्यू 0 तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 में आप 4 जोड़ते जाओ तो 2, 2, 6, 10, 14, 18 इस तरह का जो नंबर्स मिलेगा, इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एरोमेटिसिटी का नंबर होता है। ये इसी को कहते हैं हकल्स नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, वो कंडीशन फॉलो करेगा तब कहेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कहेंगे, बट ये हकल्स का जो नंबर है दिस इज कॉल्ड हकल्स नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी। चलिए अब एग्जाम्पल से देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्पीसीज दे रखा है, यहाँ पाई बॉन्ड, गौर से देखिए यहाँ प्लस चार्ज, अभी अभी आपने सीखा था ऑल कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पाई बॉन्ड भी है तो ये भी सब कैसा है, sp2, तो सारा का सारा sp2 है। इससे आपको क्लियर हुआ ये साइक्लिक तो था ही, ये मॉलिक्यूल कैसा था, साइक्लिक था, प्लेनर मिला, एक ही पाई बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ। गौर से देखो कंजुगेशन है कि नहीं, इस कार्बन पे क्या है पाई, और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है कटायन, यानी कटायन पाई कंजुगेशन, यानी ऑफ कोर्स ये डीलोकलाइज्ड है। चलो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2, हम बोले थे आपको
4n प्लस 2, यही याद रखना है। तो n का वैल्यू 0, तो कितना बचा? 2। 2 में आप 4 जोड़ते जाओगे तो 2, 6, 10, 14, यहाँ देखो कितना है 2। और वो तीनों और कंडीशन को फॉलो किया, यानी ये कंपाउंड आपका कैसा होगा? एरोमेटिक। हम समझते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल हम इसी तरह से चेक करते हैं, दूसरा स्पीसीज को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको इधर कर लें। चलिए देखो आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है? पाई बॉन्ड। फिर इस कार्बन के यहाँ बगल में यहाँ भी पाई बॉन्ड, फिर इस कार्बन के यहाँ पे क्या है? निगेटिव, यानी अनायन पाई कंजुगेशन है यहाँ पे। और हमने आपको सिखाया था जब कंजुगेटेड कार्बन आयन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी सारा यहाँ पे sp2 है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। अब गौर से देखो, हमने आपको सिखा रखा है एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ 2, 2, 4, और ये चूँकि अनायन आपका पाई बॉन्ड बना लेगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 2, 6, टोटल कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 है, डीलोकलाइज्ड है, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। आपको हमने आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था वह निगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके पाई बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एंटी एरोमेटिसिटी, चलिए नेक्स्ट देखिए एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी में अब वही है, कल्स रूल है, कहता है यहाँ पे एंटीमेट वही चार कंडीशन है, बस एक कंडीशन अलग है। वहाँ था 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, बस यही अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम है। एंटी एरोमेटिक होने के लिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक होने के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बस यही एक डिफरेंसेस है। चलिए तो यही याद रखिएगा, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एरोमेटिक में 4n प्लस 2 पाई, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और जितना पाई इलेक्ट्रॉन है सबका सब क्या होना चाहिए? डीलोकलाइज्ड। सबका सब क्या होना चाहिए? डीलोकलाइज्ड। चलिए अब यहाँ पे n का वैल्यू, चूँकि आप जीरो रख नहीं सकते हैं, जीरो रखिएगा तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका जीरो हो जाएगा, और चूँकि 4n पाई था, आपका कितना था जी? 4n पाई, तो आप n का वैल्यू एक रखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 का मल्टीपल चलेगा, तो यानी 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से होगा। तो ये जो नंबर्स है दीज आर कॉल्ड हकल्स नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। तो बस वही चार कंडीशन आपको याद रखना है, साइक्लिक, प्लेनर, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक के लिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जितना भी पाई है सबका सब कैसा होना चाहिए? डीलोकलाइज होना चाहिए। चलिए इस पहले मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर, और ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये क्या है? कंजुगेटेड है, यानी डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में जाएगा। अब चेक करो ये कितना हो गया, 2 और 2, 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कंडीशन को फॉलो किया, कितना है इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये होगा एंटी एरोमेटिक। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ का कटायन और इसके बगल का पाई बॉन्ड, ये भी क्या है? कंजुगेटेड है, तो डीलोकलाइज होगा। कितना पाई बॉन्ड है चेक करो, 2, 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, सारा का सारा sp2 है यानी प्लेनर है, तो ये भी कैसा होगा मेरा? एंटी एरोमेटिक। ये भी कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और तीसरा टाइप है इसमें नॉन एरोमेटिक, तो इसको पहले समझिएगा। नॉन एरोमेटिक कहते किसको है? देखिए वैसा कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो और ना तो एंटी एरोमेटिक हो, ना तो आपका वो एरोमेटिक है, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। उसको हम लोग यानी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता, ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है। जैसे यहाँ देखिए,
इस एग्जांपल को देखिएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल में देखिए, पहला वही हमने आज एग्जांपल लिया जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में लिया था, बस यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो आपको उस कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, चार, चार वैलेंस में हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 जैसे ही आया ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, नॉन एरोमेटिक, कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। सेम वही चीज़ इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे देखिए, हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3, कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर जैसे ही हुआ, प्लेनरिटी नहीं मेंटेन कर रहा है, सो ये मेरा कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे ये कंपाउंड है, सोचिएगा एक एक करके, और इसको हम आपको बार बार कह रहे हैं, खुद से कॉपी पेन लीजिए और खुद से बनाइए, और आप लोग से मेरा बार बार एक रिक्वेस्ट है, खुद से कॉपी पेन ले करके और वीडियो को मन करता है पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि इससे जो कंसेप्ट नहीं भी आपका अगर बिल्डअप है तो बहुत एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो अभी अभी हमने आपको जो एग्ज़ाम्पल बताया था वहीं से हमने आपको स्टार्ट किया है। इसे देखेंगे आप, ये जो पहला एग्ज़ाम्पल है आपका, इसमें इस कारण पे चेक कीजिए कैसा चार्ज है, प्लस, और यहाँ पाई कंजुगेटेड है, कार्बोकैटायन होता है तो कैसा होता है, sp2, यानी ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है तो डीलोकलाइज्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है यानी 2π इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 2-6 वाला कैसा होगा, एरोमेटिक। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट तो आप यहाँ देखेंगे, ये दूसरा वाला आप देखेंगे, दूसरा वाला में देखिए यहाँ इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, माइनस, माइनस है और इसके जस्ट बगल में क्या है, पाई है, यानी कंजुगेशन में कंजुगेटेड कार्बन कैसा होता है, sp2, यानी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है, और ये अनायन चूँकि रेजोनेंस में जाएगा तो 2π इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, और 4π इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये जो आपका होगा वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इस तीसरे नंबर को देखिए, अब यहाँ पे ये वाला कार्बन पे चूँकि कोई चार्ज नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो टेट्रा वैलेंसी का केस होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, यानी ये नॉन प्लेनर हो गया, साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, कैसा होगा ये, नॉन एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस कार्बन पे भी पाई है, इसके बगल वाले कार्बन पे भी पाई है, यानी कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, 2π इलेक्ट्रॉन है यानी 4π बॉन्ड हो, सॉरी 2π बॉन्ड है, 1π बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4π इलेक्ट्रॉन। अब 4 का मल्टीपल है यानी कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसी कंपाउंड में यहाँ पे हमने कैसा ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, कौन से देखो, इस पे कटायन है, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी ये कंजुगेशन में है, यानी साइक्लिक है, क्योंकि कटायन वाला sp2, 1π बॉन्ड है वो भी sp2, यानी ये प्लेनर है, और चूँकि कंजुगेशन में है, आसपास है, एक ही पाई बॉन्ड है यानी 2π इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसा हो गया, एंड आपका एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहीं पे अगर हमने अनायन ले लिया, फिर वही यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड, क्या हुआ, साइक्लिक है, ये कंजुगेशन में चला गया यानी sp2 है यानी प्लेनर है। अब आप इसको काउंट करेंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6, 6π इलेक्ट्रॉन है, वही रेजोनेंस में है, तो मेरा ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को अगर जब आप देखेंगे, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, प्लस, इसके बगल वाले पे क्या है, पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड और ये कटायन कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यानी 4π इलेक्ट्रॉन्स, और 4 का मल्टीपल वाला कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आते हैं आपका, जैसे यहाँ पे अनायन है और इसके बगल में क्या है, पाई, फिर ये कंजुगेशन में है, यानी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, चेक करो, 2, 2, 4, 2, 6, 6π इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 का मल्टीपल है,
तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट आई, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले इसको गौर से देखिए आप, इसको आप गौर से देखिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, फ्री रेडिकल। इस कार्बन पे आपको नज़र आ रहा है ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। और ये जो है आपका, इसके जस्ट बगल में पाई बॉन्ड है, यानी फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड कैसा है, कंजुगेटेड है। और सारा का सारा फ्री रेडिकल कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये मॉलिक्यूल अभी भी प्लेनर है। सारा का सारा यहाँ पे कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो सारा यहाँ पे साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है क्योंकि sp2 था, और कंजुगेशन में भी है। लेकिन यहाँ वाला ये जो पाइल जो सॉरी फ्री रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो चेक करो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है तो यानी चार पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एक दिया तो कितना पूरा हो, पाँच। और जब पाँच पूरा होगा तो ये तो ना तो एरोमेटिक हुआ, ना तो आपका एंटी एरोमेटिक हुआ, यानी ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक का कंडीशन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है ये सबसे पॉपुलर केस है बेंजीन का। बेंजीन यहीं से तो कैक्यूल का हाइपोथेसिस है, एरोमेटिसिटी यहीं से जाना जाता है। चलिए बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप देखेंगे हर अल्टरनेट कार्बन पे इस तरह से आपका पाई बॉन्ड दिख रहा है, यानी पाई बॉन्ड एक दूसरे के कंजुगेशन में है, आस पास में है। यानी ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, कंजुगेशन में है, और ये आपका चूँकि तीन पाई बॉन्ड है तो छः पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कैसा हो गया, एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिएगा तो आपको यहाँ पे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन नज़र आ रहा है sp3, चूँकि वहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये तो खैर आपका प्लेनर रहा ही नहीं, कोई कंजुगेशन दिख नहीं रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल में आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अगर आप चेक करोगे तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस तरह का एक ओपन स्ट्रक्चर है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ कंजुगेटेड है, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, प्लेनर है चूँकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, चूँकि साइक्लिक नहीं है तो ये कैसा हो गया मेरा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट आइए, कुछ एक अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, वो दो दो का हम पेयर लेकर के आपको समझाएंगे। जैसे पहला देखिए पायरिडीन, पायरिडीन को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन होता है, ये हम आपको शायद पीछे भी आपको बता रखा है। यहाँ पे क्या होता है, पाई पाई, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। और याद रखेंगे साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए, साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए ये जो भी आपका जो भी कंस्टिट्यूएंट है, या तो पाई है या फिर आपका लोन पेयर है, वो प्लेनर होना चाहिए, ये एक प्लेन में नहीं है। तो यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन होता है, लोन पेयर पाई नहीं होता। तो अगर यहाँ पाई पाई कंजुगेशन है तो चेक करो, साइक्लिक है, सारा पे एक एक पाई है तो यानी ये प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, कंजुगेटेड है, तीन पाई है यानी कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये कैसा होगा, एरोमेटिक। चलिए ये पायरेडीन का केस हुआ। पायरोल के केस में आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ का लोन पेयर, सॉरी यहाँ का लोन पेयर, यहाँ वाला जो लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिख रहा है, और ये पाई, फिर इस कार्बन पे पाई है, फिर इसके बगल वाले कार्बन, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। चलिए चेक कीजिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और चूंकि दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर तो यानी तीन के लिए कितना हो जाएगा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया मेरा, एरोमेटिक। चलिए दो और इसी तरह से पेयर लेते हैं, एक फ्यूरान का और एक थायोफिन का, दोनों तो मिलता जुलता है, फ्यूरान में ऑक्सीजन रहता है और थायोफिन में सल्फर रहता है। यहाँ भी अब देखिएगा इस ऑक्सीजन पे एक नहीं दो दो लोन पेयर है, फिर वही चीज़ हम जो हमने आपको बताया था, ये इसका एक लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ इसका एक लोन पेयर वो पैरेलल होगा और दूसरा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो आपको जो परपेंडिकुलर होगा वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और जो पैरेलल होगा वो रेजोनेंस में जाएगा। तो
यहाँ से हमने मान लिया कि एक जो है एक लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ पैरेलल में है। तो चेक कीजिए, यहाँ से दो पाई, यहाँ से दो पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दो पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया छः। तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो कैसा हो गया एरोमेटिक। सेम के सल्फर में, बस यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर में भी दो लोन पेयर है, वही होगा, ये भी कैसा होगा एरोमेटिक। चलिए, यहाँ फ्यूरान था और ये थायोफिन था। नेक्स्ट है, दो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन के पास क्या था लोन पेयर, इस लोन पेयर और ये जो पाई है इस नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर था, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है पाई, यानी ये कंजुगेटेड है, ये sp2 होने के कारण प्लेनर है और साइक्लिक आपको दिख रहा है। और कितना हो गया दो और दो चार, चार का मल्टीपल हमने आपको पढ़ा रखा है, कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। चलिए, बोरोन, बोरोन के विषय में हमने आपको बताया था कि जब बोरोन तीन बॉन्ड बनाए रखता है तो इसमें एक पी ऑर्बिटल खाली होता है, तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल खाली है, यानी वैकेंट, वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल एक खाली है, पी ऑर्बिटल खाली होने के कारण इट बिहेव्स एज कटायन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इस कटायन की तरह बिहेव करता है। तो कटायनिक स्पीसीज है, तो मान लीजिए यहाँ पे कटायन है और इसके बगल में क्या है लोन पेयर, तो कटायन लोन पेयर कंजुगेशन होगा, यानी ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, एक ही पाई बॉन्ड है, यानी टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया एरोमेटिक। ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि नॉन एरोमेटिक, बोरोन इज इक्विवेलेंट टू एन कटायनिक स्पीसीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए वैकेंट पी ऑर्बिटल, बस यही याद आपको रखना है। चलिए, हमने आपको ऊपर में कहा था कुछ एक्सप्लेनेशन, मैं आपको नीचे बता दूंगा। सी ये देखिए, पायरिडीन में यहाँ पाई पाई कंजुगेशन हुआ। देखिए, ये जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, सॉरी यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, इट डज नॉट बिहेव एज टू पाई इलेक्ट्रॉन। आगे क्यों नहीं बिहेव करता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड हो जाता है, जो रेजोनेंस में पाई जा रहा था उसके परपेंडिकुलर है, और रेजोनेंस साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए कैसा होना चाहिए प्लेनर। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए कैसा होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। चलिए, यहाँ आइए, ये फ्यूरान का केस में आइए, फ्यूरान में भी दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, तो इसमें से कोई एक ही लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो जो रेजोनेंस में जाएगा वो कैसा होगा पैरेलल टू पाई बॉन्ड होगा, जो रेजोनेंस में नहीं जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम टू पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट नहीं करेंगे, और जो पैरेलल होगा उसको हम काउंट करेंगे एज ए टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो याद रखने की चीज़ है, वही साइक्लिक रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए प्लेनर, और प्लेनर होगा यानी वो पैरेलल टू वो पाई बॉन्ड होगा, तभी रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको लार्ज करें। इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम बोराजाइन भी कहते हैं, B3N3S6। देखिए बोराजाइन का स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन 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 के जगह आप तीन बोरोन रख दीजिए, छः कार्बन में से तीन आपने बोरोन रख दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ, और तीन क्या रख दिया नाइट्रोजन। अब बोलो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, और यहाँ क्या है एक एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी यहाँ क्या हो गया यहाँ पे आपका लोन पेयर और यहाँ कटायनिक जैसा कोई, फिर यहाँ लोन पेयर, यहाँ कटायन, फिर यहाँ लोन पेयर, यहाँ कटायन, तो ये कैसा हो गया लोन पेयर कटायन, लोन पेयर कटायन कटायन, इस तरह से आपका ये कंजुगेशन हुआ, यानी कि ये कैसा मिला हमको डीलोकलाइज्ड। बोलिए कितना लोन पेयर है, तीन, तीन लोन पेयर मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सारा का सारा sp2 है, यानी कैसा है प्लेनर, और साइक्लिक तो आपको दिख रहा है, यानी कैसा है एरोमेटिक। देखिए बड़ा अजीब लगता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में देगा इनऑर्गेनिक बेंजीन तो लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, इसमें हम एरोमेटिक कंसेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें जो जो भी एरोमेटिसिटी का जो हकल्स रूल है उसको ये फॉलो करता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज़ बोराजाइन। तो याद रखिए कैसा है होता है एरोमेटिक, क्यों होता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, याद रखिएगा कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो गया, अगर आपका एरोमेटिक हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है,
एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल और एंटी एरोमेटिक इज लीस स्टेबल. सबसे कम कौन? एंटी एरोमेटिक. और सबसे ज़्यादा कौन? एरोमेटिक. तो स्टेबल है तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. एंटी एरोमेटिक लीस स्टेबल तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा. और बीच में कौन आ गया? नॉन एरोमेटिक एंड नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो याद रखिएगा एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड का क्या करता है? बढ़ा देता है. आगे चल के इसको और हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसे और आगे चल के हम एनुलिन में और ज़्यादा इसको हम क्लियर करेंगे. चलिए यहाँ देखिएगा, कहता है जब किसी भी कंपाउंड में अगर वो मोनोसाइक्लिक हो, मतलब एक ही तरह के एटम से बना हो, सॉरी मतलब मोनोसाइक्लिक मतलब सिंगल साइकिल हो, मतलब एक ही तरह एक ही साइकिल मोनोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक की बात नहीं है, मोनोसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक एक रिंग वाला स्ट्रक्चर, ठीक है. नेक्स्ट कहता है कि अगर वो एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है और उसमें मेंबर कितना है? सात या सात से ज़्यादा. तो कहता है वो अपनी स्टेबिलिटी के कारण स्टेबिलिटी के लिए वो नॉन प्लेनर में चला जाता है. कैसे कहाँ चला जाता है? नॉन प्लेनर में. और तब कहता है ये एग्जिस्ट करता है एज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. कि देखो अगर वो एरोमेटिक है तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर वो नॉन प्लेनर किसी भी कारण से हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक. लेकिन वो अगर एंटी एरोमेटिक है तो वो अपने आप स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा तो अपनी प्लेनरिटी को खो देता है और कहाँ चला जाता है? नॉन एरोमेटिक में. तो ये चीज़ याद रखेंगे, कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए? मोनोसाइक्लिक. और मेंबर कितना होना चाहिए? सात या सात से ज़्यादा, ठीक है. तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो नॉन प्लेनर हो जाता है और कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक. चलिए इसका एक दो हम लोग एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे साइक्लिक मेंबर है कितना है? सात है. सब चीज़ हो रहा है, रेजोनेंस होगा क्योंकि ये इस कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस तो होगा ही. कंजुगेशन है यानी साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइज्ड है. इलेक्ट्रॉन चेक करो तो ये दो दो चार दो छः दो आठ, एट पाई इलेक्ट्रॉन्स है और मोनोसाइक्लिक है और मेंबर कितने हैं? सात. अभी अभी आपने पढ़ा सात या सात से ज़्यादा होगा तो चलो याद करो, आठ के लिए एक्सपेक्टेड था आपका एंटी एरोमेटिक लेकिन हो गया कैसा? नॉन एरोमेटिक. क्यों? सात या सात से जब ज़्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर. और नॉन प्लेनर होने पे वो कैसा हो जाएगा? वो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए चूंकि प्लेनरिटी खो दिया इसलिए वो एंटी एरोमेटिक से कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक. चलिए इससे भी और एक अच्छा एग्जांपल है, ये आपका ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है, इसमें गौर से देखिएगा, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइज्ड है, ये एट पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, मोनोसाइक्लिक है, मेंबर कितना है? आठ. फिर वही एट पाई इलेक्ट्रॉन से तो एक्सपेक्टेड थे कितने? एंटी एरोमेटिक, लेकिन हो गया कैसा? नॉन एरोमेटिक. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको तकरीबन हर बुक में इसका आपको जिक्र मिलेगा. ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है और ये टब से टब देखिएगा, जैसे कोई भी अगर मान लो पानी रखना होगा तो प्लेन एक प्लेन में नहीं रहेगा, वो टब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है. और टब कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है. एंड ये नॉन प्लेनर हो गया और जैसे ही प्लेनरिटी लूज करेगा ये एंटी एरोमेटिक से किस में बदल जाएगा? नॉन एरोमेटिक. इसको आप याद रखिए, एकदम ऐसा होता है तो होता है. चलिए इसमें जो और भी एडवांस एप्लीकेशन आएंगे वो मैं एनुलिन में आपको अलग से बताऊँगा. आपको अभी याद क्या रखना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? मोनोसाइक्लिक, ठीक है. और अगर वो एंटी एरोमेटिक हो गया तो अनस्टेबल हो गया. वो स्टेबिलिटी लेने के लिए अगर वहाँ मेंबर सात या सात से ज़्यादा होगा तो वो कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर. और नॉन प्लेनर हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक. चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड और यहाँ का एक लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? चार के लिए कितना हो जाएगा? आठ. मोनोसाइक्लिक है, डीलोकलाइज्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, यानी एक्सपेक्टेड है मेरा एंटी एरोमेटिक लेकिन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. चलिए अब चूंकि हमने आपको अभी बताया, चूंकि एंटी एरोमेटिक कैसा होता है? अनस्टेबल होता है. और कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल होगा तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करेगा. तो जैसे ये देखिए आप, ये जो चार मेंबर वाला जो डाइन स्ट्रक्चर है साइक्लो, ये जो आपका डाइन स्ट्रक्चर है
इसमें आप देखेंगे तो ये चूंकि अभी कैसा है, एंटी एरोमेटिक है इनिशियल स्टेज में, इसका ये पाई बॉन्ड और इसका ये पाई बॉन्ड, जैसे ही दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास आता है ये टूट करके यहाँ डिलोकलाइज करके निगेटिव, और ये टूट करके यहाँ आ करके निगेटिव। तो ये जब ये वाला पाई बॉन्ड जो टूटा था तो यहाँ कैसा था, पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ कैसा, निगेटिव। अब गौर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये टूटा तो यहाँ निगेटिव बना, यहाँ पॉजिटिव बना, ये टूटा तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब बताओ ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिल के बॉन्ड बना लेगा, यानी ये दोनों जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गया और ये पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब चेक करो ये कैसा हो गया, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, यानी ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से भी शो करता है कि ताकि वो डाइमर बना करके अपनी स्टेबिलिटी को क्या करे, बढ़ा ले। चलिए एक और देखिएगा, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, जैसे मान लो सोडियम है पोटासियम है, कुछ भी ले सकते हो, आयरन है, जो जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इसको किसी भी नॉन पोलर मीडियम में रख दो जैसे इधर है। तो यहाँ पे ये से होमोलिटिक क्लीवेज है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ क्या बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल है एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनायन। अब आप चेक करो ये कैसा हो गया, शुरू में था एंटी एरोमेटिक, अब यहाँ पे दो दो चार और दो छः पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कैसा हो गया ये, एरोमेटिक। वही हमने आपको बताया था एक लोन पेयर एक निगेटिव चार्ज के बराबर होता है, जो कि कैसा होता है, जो कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू टू इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आइए, उसी तरह से मेटल से अगर सिंगल एक अगर आप रिएक्ट कराओगे, से Fe3 प्लस है, इसे अगर आप रिएक्ट करा दोगे तो ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस एक आयरन को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे आयरन को दिया, तो आयरन Fe3 प्लस से कहाँ चला गया, Fe2 प्लस में, और ये चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। चेक करो अब एक पाई बॉन्ड बचा यानी टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक से कहाँ चला गया, एरोमेटिक में, यानी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस और देखिए, जैसे इसमें पूछा था लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, कौर से चेक करो, ये आपका आप जितना पढ़ रखा है ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक, लेकिन इसको गौर से देखो, यहाँ पर जो कार्बन है ये चार बॉन्ड बना रखा है और चारों सिंगल बॉन्ड है, यानी हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया, तो नॉन प्लेनर हो गया, तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक। हमको पता है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो लीस्ट स्टेबल कौन हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसमें अगर कोई एंटी एरोमेटिक होता तो वो इसमें सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा था नहीं, ये आपका जेई का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई भी, जैसे आप अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे आर एक्स हमने ले लिया, इसका रिएक्शन ए जी के साथ, तो ए जी सिल्वर क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से कार्बोकैटायन बना देगा और वो ए जी एक्स को वहाँ से निकाल लेगा। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक का, तो सेम उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में था कि किसका रेट ज़्यादा होगा और किसका कैटायनिक स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ये कोई भी आर ग्रुप मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका रिएक्शन ए जी के साथ, ए जी इस बी आर को लेके चला गया तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, प्लस। यहाँ पे ए जी इस बी आर को लेके चला गया तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, प्लस। अब चेक करो यहाँ दो पाई इलेक्ट्रॉन और ये प्लस, तो दो पाई बॉन्ड और ये प्लस, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स। फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ क्या हो गया, सिक्स, मतलब चूंकि तीन पाई बॉन्ड यानी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कंजुगेशन में है, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो ऑफकोर्स जब एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये दूसरा वाला बनना ज़्यादा पसंद करेगा, यानी इसका रेट भी ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो कैटायनिक स्पीसीज का जो स्टेबिलिटी होगा दूसरे वाले का ज़्यादा होगा पहला से, और रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा दूसरे वाले का ज़्यादा होगा किससे, पहला से। चलिए अब और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वो जो हमने आप बोला था इसको याद रखने के लिए, उसको आप चेक करेंगे।
हमने क्या कहा था, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, इसको COT लिखा रहता है। ये हमने आपको बताया था जैसे 8 pi इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, एक्सपेक्टेड है, एंटी एरोमेटिक, लेकिन नहीं होके क्या हो गया था, नन एरोमेटिक, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर था, नन प्लेनर में बदल गया था जो कि टब शेप था। लेकिन अगर इसमें 2+ आ जाए, कोई यानी कोई एक पाई बॉन्ड टूट जाए आसपास में, अगर प्लस आ जाए, डाई कटायन का केस हो जाए, तो अब गौर से देखो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये खुद स्टेबल है, इसलिए कोई बदलाव करना नहीं चाहेगा। यहाँ देखो कितना चार्ज है, 2-, तो वो पाई बॉन्ड टूट करके एक एक और इलेक्ट्रॉन ले आया, कैसा हो गया, माइनस, दोनों जगह माइनस चार्ज आ गया। अब चेक करो 2, 4, 6, 8, 10, फिर वही एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो किया, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक, कोई बदलाव नहीं होगा चूँकि ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो याद रखिएगा कॉट जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन कॉट 2+ आपका एरोमेटिक होता है, कॉट 2- भी आपका एरोमेटिक होता है। व्हाट इज कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हमें मिला था, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा था, चार ऑप्शन दे रखा था, पूछा था कि इसके विषय में, ये वहाँ ऑप्शन सही था कि ये कौन एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, कैसे सोचोगे, चेक करो। जब ये पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड, चूँकि ये रिंग से बाहर है, इसको आप लाइसिस कर दो, तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा और कार्बन पे कैसा आएगा, प्लस। अब गौर से देखो इस ये वाला स्फीयर को आप चेक करो, इस स्फीयर को देखो, तो यहाँ पाई बॉन्ड और ये प्लस, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, कैसा हो गया, एरोमेटिक। चलिए इस मॉलिक्यूल के विषय में भी पूछा हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल में देखिएगा, तो चूंकि ये बाहर है इससे तो हम सोच नहीं पाएंगे, तो नहीं सोच पाएंगे तो पहले इसको होमोलाइसिस करके देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैसा हो गया, 4 pi इलेक्ट्रॉन, तो ऑफकोर्स ये इसमें जाना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, नहीं जाना चाहेगा, यानी ये शुरुआत में ये कैसा था, नॉन एरोमेटिक था, तो उसी में रहेगा क्योंकि ये जब कटाइनिक स्पीसीज बनाता है तो कैसा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, तो इसमें ये जाना पसंद नहीं करेगा, ये इसका हमने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना के देखा था। चलिए नेक्स्ट है, इसे हम चेक करते हैं, इस स्पीसीज को फिर से वैसे ही चेक कीजिए, इसको तोड़िए, इसका इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्सीजन पे माइनस यहाँ पे प्लस, चेक कीजिए, तो इस स्पीसीज को ये भी कैसा हो गया, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, वही सारा कंडीशन को फॉलो किया, यानी ये भी कैसा है, एरोमेटिक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको रहता है, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, पहले उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाइएगा, अगर एंटी एरोमेटिक बन गया तो नहीं बनेगा, वो नॉन एरोमेटिक में रह गया, रह जाएगा, और अगर एरोमेटिक बन गया तो ऑफकोर्स वो एरोमेटिसिटी में एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे एनुलिन पे। चलिए हम जहाँ तक समझते हैं ये बड़ा ही अच्छा लेक्चर रहा होगा, आप लोग से फिर मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है, हर लेक्चर को पूरी तरह देखिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसमें इनरोल कीजिए, कोई भी इसमें फीस नहीं है, ऑल ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होइए। हम ये नहीं कहते कि हम ही आपको बेस्ट देंगे, बट जितना भी हमने देख रखा है दिया देखा है, YouTube पे इस तरह से लोग बहुत कम ही पढ़ाते हैं, सो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमें भी मन हो कि और ज़्यादा वीडियो बनाए, और हम कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक अपलोड करने का। ओके, थैंक यू।